हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवेश कुमार। आप देख रहे हैं राइट्स एम्प्लॉइज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जब पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर होता है तो वो एनईएफटी या आरटीजीएस सिस्टम की मदद से होता है। तो सामान्य लोग भी नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसा भेजने के लिए एनईएफटी या आरटीजीएस या आईएमपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है और इनके फुल फॉर्म क्या है और मतलब क्या होते हैं और इनके बीच में अंतर क्या होता है। तो ये सारी चीजें जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनईएफटी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर 2005 में एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए ये सिस्टम शुरू किया गया था। आप अपने मोबाइल पर इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल करके एनईएफटी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर बैंक ब्रांच में भी जाकर एनईएफटी ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर आप एनईएफटी के माध्यम से पैसा भेजते हैं तो वो आधा आधा घंटे के टाइम बैचों में पैसा ट्रांसफर होता है, यानी कि हर आधे घंटे में एक बार पैसा ट्रांसफर होता है। रात के 24 घंटे को आधे आधे घंटे के 48 बैचों में बांटा गया है। पहला बैच रात 12:30 बजे से 1 बजे तक होता है और अंतिम बैच 12 बजे खत्म होता है। हर आधे घंटे के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वे सभी आरबीआई के पास इकट्ठे होते रहते हैं, फिर एक साथ सारे ट्रांजैक्शन को पेमेंट हो जाता है। तो 16 नवंबर 2019 से एनईएफटी का इस्तेमाल हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे के लिए चालू हो गया है, यहाँ तक कि छुट्टियों के दिन भी ये सेवा चालू रहती है। अब हम बात करते हैं आरटीजीएस की, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जैसा कि इसके नाम से भी अर्थ स्पष्ट होता है कि इसमें किया गया हर ट्रांजैक्शन उसी समय निपटा दिया जाता है, यानी कि जिस टाइम एक बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन होता है वैसे ही वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसमें पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए टाइम नहीं लगता है। ये 26 मार्च 2004 को ये सेवा 4 बैंकों के लिए शुरू की गई थी जो कि अब 200 अधिक बैंकों के पास मौजूद है। तो आरटीजीएस में आप 2 लाख रुपए से का कम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। आरटीजीएस की सुविधा हर नेट बैंकिंग अकाउंट में उपलब्ध नहीं होती है। आपको ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल पर चेक करना होगा कि आपके पास ये सुविधा मौजूद है कि नहीं। अगर नहीं है तो आरटीजीएस फैसिलिटी वाले अकाउंट की फैसिलिटी पाने के लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, आरटीजीएस से पैसा भेजने के लिए यह भी जरूरी है कि पैसा पाने वाले के अकाउंट में भी आरटीजीएस होना चाहिए। तो आरटीजीएस सेवा पहले सिर्फ सोमवार से लेकर शनिवार तक चालू रहती थी, लेकिन अब ये 14 नवंबर 2020 से ये साल के सभी दिन और 24 घंटे चालू रहती है। तो फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही बताने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।